देवादा मेंटल हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया। दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करते हुए दुर्ग एसपी को ज्ञापन भी सौंपा। दुर्ग के ग्राम देवादा मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराने पहुंचे दीपक गोस्वामी की बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है, जिसे लेकर मृतक दीपक गोस्वामी के भाई ने दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक से शिकायत की और इस मामले में निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बातें कही है। गौरतलब है कि दीपक गोस्वामी को एक हफ्ते पहले मानसिक रूप से बीमार होने पर देवादा में स्थित मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जहां मृतक दीपक गोस्वामी के साथ उसकी मां व भाई ओम प्रकाश भी अस्पताल में मौजूद रहे थे। लेकिन बीती रात अस्पताल प्रबंधन ने बाथरूम में गिरने की बात को लेकर उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल पहुंचने के पहले ही उसकी मौत हो गई। इस मामले में अस्पताल में मौजूद मृतक दीपक गोस्वामी के परिजनों को अस्पताल प्रबंधन ने इस हादसे की कोई जानकारी नहीं दी। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों द्वारा उसकी हालत में सुधार होने की बात कहते हुए 23 जून को डिस्चार्ज करने की बात कही गई थी। ऐसे में मृतक दीपक गोस्वामी के परिजनों को ऐसी आशंका है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मृतक के साथ मारपीट की गई होगी, जिसके चलते दीपक गोस्वामी की मौत हुई होगी। इस संबंध में मृतक के परिजनों ने न्यूज़ टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेरा छोटा भाई था, जिसको मैं 9 तारीख को देवादा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था मेंटली प्रॉब्लम से रिलेटेड साइकेट्रिक इलाज के लिए। उनका 15 दिन के लिए बात हुआ था डिस्चार्ज के लिए। कल उनका आज लास्ट दिन था डिस्चार्ज के लिए। कल मैं उनका डिस्चार्ज कराने के लिए आया था रायपुर से, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। तो बोले कि डॉक्टर कल डिस्चार्ज करेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो मैं और मेरी माँ वहीं रुके थे नाइट में। मेरी माँ 15 दिन उनके साथ कंटिन्यू वहीं रहती थी वेटिंग हॉल में, मैं आना जाना करता था वहाँ से। मैं कल बढ़िया पेशेंट से मिला हूँ मेरे भाई से, 3 बजे से 5 बजे तक का मिलने का टाइम है, वहाँ मिला हूँ। बढ़िया था पेशेंट, मैं वहीं रुका हूँ, मेरी माँ वहीं रुकी है। 12:30 बजे मेरे को कॉल आता है कि आपका पेशेंट गिर गया, बाथरूम से गिर गया, नहाते वक्त बाथरूम से गिर गया, उसको डेथ हो गया है, सरकारी हॉस्पिटल में ला लिया। सर, ना मेरे को जानकारी है ना मेरी माँ को जानकारी है। मैं पूछता हूँ कि बिना हमारे परमिशन से वो कैसे हॉस्पिटल से बाहर ले जा सकते हैं हमारे मरीज को? हमको तो जानकारी देना चाहिए ना भाई। जब हम और किसी से इलाज हड्डी का जैसे इलाज करा रहा था, उस टाइम मेरी मम्मी साथ में थी दुर्ग, उसका जानकारी हमको दिया गया था। जब इतना बड़ा बात हो गया, अगर उस समय जानकारी देना था कि हाँ गिर गया आपका पेशेंट, ये है, हम लोग यहाँ लेके जा रहे हैं, हमको कोई जानकारी नहीं दी गई है अस्पताल। वही 11:30-12 बजे के बीच की घटना है, रात में 11:30-12 बजे। अक्सर अस्पताल द्वारा वही जो भी उनके द्वारा बताया गया है उसका डेथ वहीं हुआ है। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग रास्ते में लेके जा रहे थे, ऑक्सीजन वहाँ से सब सही था, यहाँ रास्ते में डेथ हो गया, हॉस्पिटल लाते लाते ऐसा था, तो हमको जानकारी क्यों नहीं दी गई थी? बस मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी परमिशन के बिना कैसे पेशेंट को जिसी से हॉस्पिटल में रिफ़र कर दिए, हम और अच्छे जगह में लेके जाते, हमको जानकारी क्यों नहीं दी गई? छोटे छोटे चीज़ों के लिए बुलाते हो आप, बिना पेशेंट से अटेंडर पास नहीं मिलने देते हो, नाम मिलती कराते होटल, तो ये इतने बड़ी बात की हमको जानकारी क्यों नहीं देती? इस आपसे यही मांग करता हूँ कि हमारे परमिशन के बिना कैसे हमारे पेशेंट को बाहर भेज दिए और उसकी हमको जानकारी क्यों नहीं देगी कि वो गिर गया है तो चोट लगा है कि ये हुआ है। छोटा भाई से हमारा एडमिट था, जो रायपुर का निवासी था, उसे हम मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किए, लेकिन रात के समय परिवार वाले को बिना बताए, जब एक छोटी सी समस्या हो जाती है परिवार वाले को बिकायस बताया जाता कि नहीं एक काम कीजिए आप, इनको आपको लेके जाना है बाहर हॉस्पिटल में लेके आना है, लेकिन रात के 12 बजे बिना बताए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसके बाद बोला जाता है कि आपकी भाई की मृत्यु हो गई है, आप बॉडी आके ले जाइए। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले का क्या हुआ है हमें किससे, जिसके लिए कोई देखने वाला नहीं है। हम सुबह सुबह थाने में गए थे, उसके बाद थाने वाले ने हमने कहा कि भाई साहब एक काम कीजिए आप रिपोर्ट लिखवाइए, आप रिपोर्ट लिखिए हमारा, लेकिन उसमें भी हमको गोलमटोल किया जा रहा है। हमको एक FIR की हमें आवेदन की कॉपी दिए हुए, SP साहब से हमारी मांग है कि उस अस्पताल के प्रति कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस प्रकार से ना जाने कितने सैकड़ों लाखों लोग हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं कि हम इलाज जाते हैं, लेकिन इलाज के नाम पर हमें सिर्फ ढकोसला दिया जा रहा है यहाँ पास और पैसा वसूली किया जा रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है हमारी जान की कीमत है, छोटे भाई की जान की कीमत बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पास अलग रखा जाता परिवार को, परिवार साथ वहाँ मारपीट किया। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि जिस सबसे अंदेशा नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बाथरूम में गिर गए चोट, लेकिन चोट के निशान कहीं नहीं है, तो मारपीट का भी अंदाशा हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मानसिक रोगी कहीं ना कहीं कुछ बातें हो जाती है, तो उससे शायद प्रशासन ने भी किया होगा गलत वहाँ पर, जो उसके जो प्रशासन है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीब फारूकी की रिपोर्ट।